अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो आपके इनबिल्ट सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटर में, या मेरे में तो यार इनबिल्ट है, मेरे को नहीं पता आपका ये इनबिल्ट है या आपने डाउनलोड किया है कहीं से, ठीक है, तो डजेंट मैटर। जो मैटर है वो पॉइंट इज दैट कि आपकी ये वीडियो जो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर फिनिश वीडियो पर क्लिक करते हो और यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे तो ये एक्सपोर्ट स्टार्ट ही नहीं होके दे रही है। 1 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई, 10 मिनट, यहाँ तक कि मैंने तो 20 मिनट तक यार यहाँ पर वेट किया था, लेकिन ये एक्सपोर्ट होकर ही नहीं दे रही थी ये वीडियो। तो कैसे आप इसको एक्सपोर्ट कर पाओगे बहुत सिंपली और इजीली, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को बीच में स्किप मत करना, अगर कोई स्टेप रह जाता है फिर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको एक ही रिप्लाई दूंगा कि भाई वीडियो को पूरा देखो। तो इससे अच्छा पहले ही वीडियो को स्किप ना करके देखो। मैं पहले ही बिना टाइम वेस्ट के वीडियो बनाता हूँ, कोई भी फालतू की बकवास नहीं करता यार मैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो एडिटर पर आ जाना है। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट के जरिए दिखा रहा हूँ, आपको विंडो के सर्च बार में लिखना है वीडियो एडिटर और वहां से आप आ जाओगे। अगर आप यहाँ पर आ चुके हो वीडियो एडिटर में तो यहाँ से आप ये जो 3 डॉट्स देख रहे हैं यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। इस सेटिंग्स के ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप ये जो दिख रहा है आपको वीडियो एडिटर, इस पर क्लिक करके यहाँ से भी आप 3 डॉट पर आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे स्क्रोल डाउन करना है और एक ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। जी हाँ, आपको ये ऑप्शन देखना होगा। ये ऑप्शन है ना यार, दिल तोड़ देता है सच में। इस ऑप्शन ये ऑप्शन जब तक आपका इनेबल रहेगा तब तक आप वीडियो एक्सपोर्ट डैश 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 डैश, ठीक है, क्या बोलूँ, अगर आप इसको डिसेबल नहीं करोगे तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। वो जो प्रॉब्लम आ रही थी इसी की वजह से आ रही थी। आप इसको डिसेबल करो और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट था, ठीक है। मैं इसको फिनिश वीडियो पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अगर तब भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व आउट नहीं होती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या पर्सनल इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो कि क्यों नहीं हो रही हमारी ये वीडियो एक्सपोर्ट। मैं आपको बता दूंगा और भी रीजन हो सकते हैं गाइज। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।